हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्पण ऑफ ज्ञान। माय टुडेज टॉपिक पेट एग्जाम पेपर सॉल्यूशन। आज हम जो हमारा पेट का एग्जाम हुआ उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाले नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। तो ये सिर्फ वन के क्वेश्चन आंसर हैं जीके के एंड करेंट अफेयर्स के। तो हमारा ये क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र, डी महात्मा गांधी। तो ये हम सभी जानते हैं कि करो या मरो का नारा 1942 में जो आंदोलन चला था अंग्रेज भारत छोड़ो, उसके अंदर महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा आसाम में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है असम, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा असम। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, और इसमें दिया हुआ है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कावेरी और गोदावरी इसमें नहीं होंगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र होंगी, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये तीनों हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो यहां पर सिंधु नदी ऑप्शन में नहीं है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब इसमें से हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड मिलाया हमें बी के अंदर, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ हमारा ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो जैसा कि जानते हैं 100 रुपये के नोट पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, RBI गवर्नर। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, FEMA। तो ऑप्शन ए है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, बी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, डी है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होती है फेमा की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो इस क्वेश्चन के बारे में दो चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोगों का कहना है राज्य सूची में है और कुछ लोगों का कहना है संघ सूची में है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये संघ सूची में है। जो जन स्वास्थ्य में स्वच्छता है, ये योजना संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके इसके अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निदेशक तत्व एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 ए से, बी अनुच्छेद 19 से, सी अनुच्छेद 29 एवं 30 से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी बी एन राव। तो जो संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 24, सी है अनुच्छेद 29, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हित, उनकी शिक्षा से संबंधित व्यवस्था और उनकी सारी चीज़ें उसी में मिलती हैं अनुच्छेद 29 में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।